हाल ही में अक्षरा सिंह का टाइम्स नाउ को दिया हुआ एक इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें अक्षरा सिंह ने वो कुछ बयां किया है जो अभी तक उन्होंने कभी भी कहीं भी बयां नहीं किया था। वैसे अक्षरा ने तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रहे रिश्ते और उनसे टूटे हुए रिश्तों की बहुत सारी बातें मीडिया में लोगों से शेयर की हैं, लेकिन ये जो बातें हैं इन सारी चीज़ों को अक्षरा ने कभी शेयर नहीं किया। हाँ, ये बात और है कि यहाँ अपने एक्स यानी कि पवन सिंह का नाम भले न लिया हो अक्षरा सिंह ने, लेकिन इस इंटरव्यू में अक्षरा सिंह ने बहुत कुछ कहा और वो कहा जिसे सुनने के बाद अक्षरा सिंह की फैन फॉलोइंग के होश उड़ गए। अक्षरा ने यहाँ ये बताया, मुझे जान से मारने और मेरा करियर बर्बाद करने की धमकी मिल रही थी, मगर मेरे पिता के साथ हुई बातचीत के बाद मुझे बहुत हिम्मत मिली और मैंने गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में परवाह करना बंद कर दी। अपनी लाइफ का डर भी जाता रहा। मैंने तब तक इतना कुछ सह लिया था कि मौत का खौफ भी खत्म हो गया। मेरे एक्स ने कुछ लड़कों को एसिड की बोतल लेकर मेरे पीछे भेजा था ताकि वो मेरा कैरियर खराब कर सके। लड़के मेरे पीछे एसिड की बोतल लेकर भाग रहे थे। सड़क पर नशे करने वाले लोग मेरे पीछे भेजे गए थे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी महिला को सब कुछ ना देखना पड़े जिन चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। इतने बेबाक इंटरव्यू के साथ अक्षरा सिंह ने अपने कई एक्सपीरियंस वहाँ शेयर किए। यहाँ अक्षरा सिंह ने अपने बिग बॉस के 29 दिनों के सफ़र के बारे में भी बात की और यहाँ प्रतीक सहजपाल के साथ जो उनकी बॉन्डिंग थी उसके बारे में भी बात की, तो वहीं मिलिंद गाबा के साथ अपनी नई दोस्ती की भी चर्चा की कि वो कितनी स्ट्रांग है। खैर, उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि मैंने बिग बॉस के घर में भी ऐसे कई फेज देखे जहां मुझे बहुत रोना आता था, लेकिन ये मेरे अंदर की हिम्मत ही है जिसने मुझे संभाल कर रखा है। तो अक्षरा सिंह का आजकल ये इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर अपने एक्स की बात करते हुए अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का नाम मेंशन नहीं किया है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।